वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस सीन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस सीन के अलावा गॉड लव्स हिज कॉन्ग मूवी की लीक्स का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे। इस एयरक्राफ्ट वाले सीन को देखने पर सबसे पहले सवाल उठता है कि कॉन्ग यहाँ पर कैसे आया और इन ह्यूमंस ने कॉन्ग को कैसे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कैप्चर किया। ऑल्दो मैंने इसे पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, पर मैं इसे ज़रूर दोबारा बतला दूंगा। हमें पता है कि मोनार्क या फिर एपेक्स स्कल आइलैंड में जाएंगे हॉलो अर्थ को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, और जहाँ पर उनका सामना होगा वॉरबैट से। वॉरबैट और कॉन्ग की एक फाइट होगी। कॉन्ग के साथ एक नहीं बहुत सारे वॉरबैट्स लड़ेंगे और इन वॉरबैट्स के अंदर जहर भी है, क्योंकि ये वॉरबैट्स साइज में बहुत ही छोटे होने वाले हैं। कॉन्ग जैसे मैसिव टाइटन के लिए इनका जहर उतना ज़्यादा जानलेवा नहीं होगा, इसलिए कॉन्ग और वॉरबैट की फाइट में भले ही कॉन्ग जीत जाएगा पर वॉरबैट्स के जहर की वजह से वह बेहोश हो जाएगा। और मोनार्क या फिर एपेक्स इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए कॉन्ग को कैप्चर कर लेंगे, लेकिन अभी तक ये रीज़न नहीं मालूम हुआ है कि वे लोग कॉन्ग को कैप्चर क्यों करेंगे। यदि ये कंपनी एपेक्स है तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि वे लोग कॉन्ग पर रिसर्च करेंगे और या फिर कॉन्ग को अपने अंडर रखना चाहेंगे, क्योंकि कॉन्ग अल्फा मॉन्स्टर्स में आता है जो दूसरे किसी टाइटन की बात नहीं मानता है। और एपेक्स कंपनी का यही मोटिव है कि वे सारे अल्फा मॉन्स्टर्स को मार डाले ताकि सभी मॉन्स्टर्स उन्हीं की बात सुने। कॉन्ग की हाइट लगभग गॉडजिला की जितनी हो चुकी है और साथ ही साथ उसका वेट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए कॉन्ग को एयरक्राफ्ट कैरियर पर उन्होंने कैसे डाला होगा। इसके लिए भी मेरे पास एक थ्योरी है। स्कल आइलैंड पर पहले से ही मोनार्क द्वारा बनाया गया एक मैकेनाइज्ड जायंट है जो कि है मेका गॉडजिला, और शायद उसी की मदद से वे लोग कॉन्ग को एयरक्राफ्ट कैरियर पर कैप्चर करेंगे। भले ही कॉन्ग बेहोश था पर अपनी थोड़ी बहुत सेंसेस की मदद से वो यह देख पा रहा होगा कि उसे कोई कैप्चर कर रहा है, और अपने धुंधले विजन से उसने ज़रूर मेका गॉडजिला को देखा होगा और इस मेका गॉडजिला को ही वो गॉडजिला समझ बैठेगा, और वो यही समझेगा कि गॉडजिला ही उसे स्कल आइलैंड से दूर ले जा रहा है। अब नेक्स्ट, स्कल आइलैंड से कुछ दूर पहुँचने के बाद कॉन्ग अपने पूरे होश में आ जाता है और वो आसानी से इन सेंस को तोड़ देता है। और यदि आप इस फुटेज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पहले से ही तबाही मची हुई है जो शायद कॉन्ग ने अपने चैंस को तोड़ते हुए मचाई होगी, पर साथ ही साथ दूसरे शिप्स भी बर्बाद हो चुके हैं जो कि मुझे लगता है कॉन्ग ने ही किया है, और शायद ये करने के लिए वो पानी में उतरा होगा। क्योंकि जब आप इस इमेज को देखेंगे, जब कॉन्ग कैप्चर्ड था तब उसकी बॉडी सूखी हुई थी, पर इस इमेज में कॉन्ग थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ है। और एयरक्राफ्ट कैरियर में कॉन्ग की तरफ का एयरक्राफ्ट कैरियर झुका हुआ है, ऐसा लगता है कि कॉन्ग ने इस पर जंप की होगी। क्योंकि सीन को यदि थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर देखा जाए कॉन्ग की तरफ का एयरक्राफ्ट कैरियर ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी गॉडजिला का वेट कॉन्ग से ज़्यादा है, तो फिर यही कंक्लूजन निकल के आता है कि इस एग्जैक्ट सीन के पहले कॉन्ग एयरक्राफ्ट कैरियर पर जंप किया। तो अगला सवाल यह है कि गॉडजिला यहाँ पर क्या कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि गॉडजिला कॉन्ग को दोबारा स्कल आइलैंड में भेजना चाहता है। गॉडजिला यह नहीं चाहता है कि कॉन्ग स्कल आइलैंड से दूर जाए, और यदि यह थ्योरी सच है तो एक प्रकार से गॉडजिला कॉन्ग को बचाने आया है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कॉन्ग मेका गॉडजिला को ही असली गॉडजिला समझेगा अपनी बेहोशी हालत में, और इसी वजह से यहाँ पर सबसे पहले कॉन्ग ही गॉडजिला पर अटैक कर रहा है, और यही वजह है कि एंड में ये फाइट बंद हो जाएगी जब गॉडजिला और मेका गॉडजिला को एक साथ कॉन्ग देखेगा और उसे साफ साफ समझ में आ जाएगा कि असली और नकली गॉडजिला कौन है। खैर, तो ये थी मेरी स्पेकुलेशन कि ये एयरक्राफ्ट वाला सीन कैसा हो सकता है। यदि आपको मेरी स्पेकुलेशन पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं और आप भी फैंस हैं डांसर्स हैं गॉडजिला के तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।